यह नन्हा सा बछड़ा अनाथ नहीं था, बल्कि इसको जानबूझकर इसकी माँ से अलग कर दिया गया। हो सकता है यह डेयरी फार्मिंग का हो, या फिर किसी किसान का, या फिर किसी पशुपालक का, क्योंकि जब तक बच्चा अपनी माँ के साथ होता है तो उसको भी पीने के लिए दूध चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि गाय का दूध उसी का बच्चा ना पिए, इसलिए बच्चे को गाय से अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही इसको भी अलग कर दिया गया। सड़कों पर घूमते घूमते यह बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमारी टीम को जानकारी मिली कि एक नन्हा सा बच्चा 2-3 दिनों से जंगलों में पड़ा हुआ है। पैर टूटे या जख्मी होने की वजह से वो अपने पैरों से चल फिर नहीं सकता। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की टीम बछड़े को हाईटेक एम्बुलेंस की मदद से इलाज हेतु गौ सेवा धाम में ले आई, पर लगातार 1-2 महीने की मरहम पट्टी उपचार के बाद यह बछड़ा स्वस्थ होकर खुद के पैरों पर चलने लगा है। स्वस्थ होने के बाद में हमने इस बछड़े को फिर से सड़क पर भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि हमने इसको सुरक्षित गौशाला में भिजवा दिया है। देवी चित्रलेखा जी के सानिध्य में यह उपचार सेवा दिन रात संचालित है। पलवल और मथुरा के मध्य स्थित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल समर्पित है ऐसे ही बेजुबान और घायल जीव पशु पक्षियों के जीवन को बचाने में। आप भी जुड़िए ऐसे पावन कार्य से।